हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कॉलम की शटरिंग कैसे फाइंड करेंगे। लेट सपोज़ हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, 600 mm अक्रॉस 600 mm का ये कॉलम है, ठीक है। इसकी लेंथ आपके पास आप देख सकते हैं कि 600 mm लेंथ है और 600 mm विड्थ है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसकी शटरिंग कैलकुलेट करें तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा। ये स्क्वायर कॉलम है क्योंकि इसका लेंथ और विड्थ हमारे पास बराबर है। हाइट इसकी हमने सपोज़ किया है कि इसकी 3000 mm इसकी हाइट है, ठीक है। तो लेट्स गो, इसको हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं कि कैसे हम इसकी शटरिंग कैलकुलेट करेंगे। तो शटरिंग कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे एरिया का, वो कुछ इस तरह होगा। 4a x h, यहाँ पे a रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो साइड्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर कॉलम है तो इसलिए इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। इस साइड को भी हम ए कह सकते हैं, इस साइड को भी ए कह सकते हैं, ठीक है। तो 4a का मतलब है कि हमारे पास चार साइड्स हैं, ठीक है। चारों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया साइड्स को, और उसको मल्टीप्लाई उसको इन 4a को हमने मल्टीप्लाई किया h के साथ। h क्या है, हमारे पास हाइट है, जो कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि ये 3000 mm है। लेकिन 3000 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए h की जगह हमने 3 लिखा है, और a की जगह अगर 600 mm है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 0.600 मीटर बनता है। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आपके पास ये शटरिंग का एरिया आ जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये कॉलम शटरिंग का आपके पास एरिया आ गया, जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि हम शटरिंग हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी इस कॉलम के लिए, ठीक है। ये केस टू है, केस टू में हमारे पास एक कॉलम है जो कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब कि दोनों साइड इसके बराबर नहीं है, एक 600 mm का है, दूसरा 300 mm का है, ठीक है। तो इसको इसका एरिया कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, आप लोगों ने जो ये दो साइड है, एक को हमने बी का नाम दिया, दूसरे को ए का नाम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और साथ में एच हमारे पास हाइट है कॉलम का, ठीक है, जो कि हमने इस केस में भी 3000 mm लिया, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया 3 मीटर में, क्योंकि हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास जो 1 मीटर है वो हमारे पास 1000 mm के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास इस केस का भी आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर में आ गया। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम का शटरिंग कैलकुलेट करने का ये तरीका, ये फार्मूला आ गया। अब जाते हैं हम अपने इसकी तरफ। अगर हमारे पास कॉलम हमारे पास सर्कुलर कॉलम हो तो उसके लिए शटरिंग कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपको ये कॉलम नज़र आ रहा है जो कि सर्कुलर कॉलम है, ठीक है। इसका ये सेंटर है और ये इसका पूरा डायमीटर है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास इसका डायमीटर जो है वो 600 mm है, तो 600 ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस इसके हाफ होगा जो कि 300 mm है, और हाइट हमने लेट सपोज लिया कि ये 3000 mm है, ठीक है। और नोट में कि हमारे पास के 1 मीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, 1000 मिलीमीटर के, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर कॉलम का फार्मूला है, कि स्क्वायर कॉलम के एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला है, जहाँ से हमें शटरिंग के एरिया फाइंड हो जाएगा। 2πr x h, ठीक है। 2 हमारे पास 2 का 2 रहेगा, पाई की जगह 3.14 पाई की ये वैल्यू है, और r हमारे पास रेडियस है जो कि 300 mm है, लेकिन 300 mm को हमने कन्वर्ट किया है मीटर में, ठीक है, कि यहाँ पे ये मिलीमीटर में। और इस तरह हाइट हमारे पास 3000 mm है, लेकिन इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 3 मीटर हमारे पास आ गया, एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ गया। तो ये तीन केसेस आपके पास साइट पे आ सकते हैं कि आप लोग साइट पे मौजूद हों और आपको शटरिंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप इस इन फार्मूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूले बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बाकी मैथमेटिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे मिस्टेक हो तो उसके लिए माजरा करते हैं, बाकी फार्मूले बिल्कुल 100% करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और साइट वर्क से रिलेटेड हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और हमारे पसंद आई वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें, बहुत शुक्रिया।